हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र में जैसे ही उनकी पार्टी की सरकार आएगी, सबसे पहले तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। ये सिर्फ अहंकारी प्रधानमंत्री ही नहीं, कायर प्रधानमंत्री भी हैं। कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते, हर बात के लिए पीछे की सरकारों को दोषी ठहराते हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि जनता की बात को स्वीकारें और तीनों कृषि कानूनों को वापस लें। जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए तो भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को मथुरा के पालीखेड़ा मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित कर रही थी। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस समर्थन कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो के नारा इस सरकार ने सार्थक किया है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के नारे दिए थे। ये नारे इस देश की माटी को परिभाषित करते थे। कांग्रेस ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया। कांग्रेस ने मनरेगा लागू किया, भूमि अधिग्रहण कानून के माध्यम से 4 गुना मुआवजे का प्रावधान रखा। राधे राधे से अपना संबोधन शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि ये धरती अहंकार को तोड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों की रक्षा की थी। आज भाजपा सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पाल लिया है। भगवान श्री कृष्ण सरकार का अहंकार भी तोड़ेंगे। सरकार का निजीकरण की नीति पर हमला बोलते हुए तंज कसा कि शुक्र है कि हमने कुछ बनाया, तभी तो आप बेच पा रहे हैं। लॉकडाउन में जब मजबूरी में लोग अपने घरों को जा रहे थे, तब इन्होंने क्या किया? देश के लाखों किसानों ने इस देश को सींचा है, वहीं किसान आज सड़क पर बैठा है। 215 किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री अपने शासनकाल में दुनिया के हर कोने में पहुंचे, लेकिन दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों तक नहीं पहुंचे। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो जनता से अलग हो जाता है, तो उसकी नीतियां भी जनता के लिए नहीं बनती हैं। 15,000 करोड़ देश भर के गन्ना किसानों का बकाया है। प्रधानमंत्री ने अपने लिए जो विमान खरीदे हैं, उनकी कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। ये इनकी नियत है, इसे समझ लीजिए। हमने कुछ बनाया, तभी तो आप बेच पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बचा लो, कहीं गोवर्धन पर्वत को ही ना बेच डाले भाजपा। पालीखेड़ा पर आयोजित हुई कांग्रेस की किसान पंचायत को विवेक बंसल, दीपेंद्र हुंडा, पंकज मलिक, अनिल चौधरी, हरिंद्र अग्रवाल, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रदीप मथुरा आदि ने भी सभा को संबोधित किया। खरबपति आपके साथ सौदा करने आएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा ये भी बताया। अपने खेती की गेहूं तैयार किया और जब आप खरबपति के पास जाएंगे, कानून अनुमति देती है कि ये खरबपति आपको फसल खरीदने से मना कर सकता है। ये ऐसा कानून है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे करार तोड़ दिया है तो आप अदालत नहीं जा सकते, सिर्फ एसडीएम तक आपकी सुनवाई होगी। एक तरफ किसान और दूसरी तरफ खरबपति, ऐसे में आपको न्याय कभी नहीं मिलेगा। कानून बनाने का मकसद कुछ अलग है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। कानून बनाने से पहले किसानों को नहीं पूछा। ये कानून किसी नोटों की खेती करने वाले ने बनाया है, खेती करने वालों ने नहीं बनाया है। ये कानून सिर्फ अरबपतियों के लिए बना है। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में स्थानीय मुद्दों का भी जिक्र किया। बिजली के स्मार्ट मीटर से लेकर राधा कुंड की गौशाला तक पर बात की। उन्होंने आवारा गोवंश और इससे हो रही किसानों की परेशानी को भी उठाया। महापंचायत के लिए आई प्रियंका गांधी वाड्रा जब मंच पर पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने उनका नारे लगाकर जोरदार स्वागत किया। प्रियंका के आते ही समूचे पांडाल में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। जब प्रियंका गांधी महापंचायत के लिए आई तो रास्ते में मौजूद कार्यकर्ताओं और किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यमुना एक्सप्रेसवे होकर सड़क मार्ग से प्रियंका गांधी का काफिला सभा स्थल पर पहुंचा। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने खुद उस मार्ग का निरीक्षण किया जिससे होकर प्रियंका गांधी का काफिला गुजरा। इस दौरान मार्ग पर पुलिस बल मुस्तैद रहा। महापंचायत के बाद उन्होंने वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंची। प्रियंका गांधी ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पूजा पाठ किया। उन्होंने मंदिर की विजिटर डायरी में संस्मरण लिखते हुए आराध्य से राष्ट्र कल्याण की कामना की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। प्रदेश महासचिव प्रियंका गांधी के सभा स्थल पर पहुंचने के पहले ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पांडाल में जुट गई थी। भीड़ का मनोरंजन करने और लोक कला के माध्यम से विरोधियों पर कटाक्ष करने के लिए रागिनी कलाकारों को बुलाया गया था। पांडाल में जुटी भीड़ ने जमकर रागिनी का आनंद लिया। प्रियंका गांधी की सभा में पहुंची भीड़ को देखकर कांग्रेसियों में उत्साह नजर आ रहा था। छात्र संगठन एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सभा स्थल पर उत्साह में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुराने कांग्रेसी कई बार ये कहते हुए दिखे कि इस तरह का नजारा और कांग्रेसियों में उत्साह बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक,
डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।